ऑलराइट दोस्तों, बताने वाला हूँ आपको अपकमिंग स्मार्टफोन्स नहीं बाइक्स फॉर नेक्स्ट जुलाई एंड अगस्त में कौन से गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं। टू व्हीलर्स हैं ये अपकमिंग के वीडियो जो है दोस्तों बहुत पॉपुलर होते हैं हमारे मेन ट्रैक एंड टेक चैनल पे। वी आर होपिंग कि सेम इधर भी ऐसे ही हो। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिए, लेकिन बहुत सारी एक्साइटिंग बाइक्स आ रही है। सबसे पहले बोल दूं दोस्तों, यामा की तरफ से अगली बाइक आ रही है रेजर हाइब्रिड 125। ये अनवील हो चुकी है, जी हाँ, FZX के लॉन्च इवेंट में ये बताई गई थी, लेकिन उसकी प्राइस वगैरह नहीं आई थी और डिटेल्स अब बाहर आ गए। हाइब्रिड स्कूटर है दोस्तों, ये 8.2 BHP पावर है, 10.3 NM टॉर्क है, 125 CC का इंजन है, एंड इसकी जो प्राइस आई हुई है दोस्तों वो है 91,000। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप देख सकते हो। लेकिन अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी है जो बेसिकली पावर असिस्ट करता है। जब आप स्टार्ट करते हो, मतलब स्टेशनरी जब गाड़ी है उधर से आगे बढ़ती है, तो पावर असिस्ट फीचर जो है उसकी वजह से थोड़ा फायदा होता है। तो मैं कहूंगा माइल्ड हाइब्रिड है। बाकी LED लाइट्स वगैरह है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की, सो ओवरऑल इट लुक्स गुड फॉर 91,000 रुपीज। और दोस्तों उसी लॉन्च इवेंट में यामा ने उनकी फेसिनो 125 ये भी लॉन्च कर दी थी। इसमें भी हाइब्रिड इंजन आता है। अगर पावर और टॉर्क के पास देखोगे दोनों में ही एब्सोल्युटली सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट फीचर वगैरह आता है इसके अंदर। सो टू बाइक्स फ्रॉम यामा कमिंग, बोथ ऑफ देम वेरी सिमिलर 125 CC हाइब्रिड के साथ, सो या लुकिंग गुड। कैन यू गेस द न्यूएस्ट स्ट्रीट मशीन? जी हाँ, ये टीज किया हुआ है बजाज ने, और इसका मतलब बजाज की एक टू व्हीलर आ रही है दोस्तों। ऐसे लगता है कि इसका जो नाम होने वाला है वो है बजाज NS250। ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में होने वाली है। 250 CC का इंजन है इसके अंदर। और अगर फीचर्स के बारे में बात करूं जो बाहर आए हुए लीक्ड फीचर्स हैं, अगेन ऑल LED लाइटिंग वगैरह इसके अंदर, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी होने वाली है इसके अंदर। सो इंटरेस्टिंग। और प्राइस कही जा रही है कि 1.5 लाख 1,60,000 के करीब होने वाली है। अब आने दीजिए, बहुत ही जल्दी शायद बाय एंड ऑफ जुलाई ये लॉन्च हो जाए। जैसे लॉन्च हो जाती है सब कुछ आपको बताएंगे जरूर। ऑलराइट दोस्तों, होंडा की तरफ से होंडा रेबेल आने वाली है, होंडा रेबेल 300। जी हाँ, ये एक क्रूजर कैटेगरी की है और दिखने को बहुत ही यूनिक है। जितने भी फोटोज वगैरह मैंने देखे हुए हैं बहुत ही यूनिक है, और जुलाई अगस्त अगले एक या दो महीने में लॉन्च होने वाली है। एंड अगर बात करूं इस गाड़ी के बारे में तो इट इज फन टू राइड, फ्रेश यूनिक लुक, जैसे मैंने कहा ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं आई है। प्राइस अराउंड 2,30,000 होने वाली है, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर होंडा रेबेल 300। सीरियसली looks good, I want to sit on it and drive it. All right दोस्तों, Honda की तरफ से अगली जो गाड़ी आने वाली है बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, वो है CBR 300R, Honda CBR 300R। जी हाँ, ये स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है। 31 PS पावर है, 27 NM का टॉर्क आता है, टोटल 286 CC का इंजन आता है इसके अंदर। एंड अगर आप इसके पास देखोगे तो ऑल्दो इट इज अ स्पोर्ट्स बाइक, एट द सेम टाइम अगर डिजाइन वगैरह देखोगे तो इट इज वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल पोजिशनिंग आपकी होती है। 3 लाख तक इसकी प्राइस होने वाली है। लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर CBR 300R, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। अब आने दीजिए, उसके बाद में देखेंगे, बट या लुकिंग गुड। दोस्तों हीरो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आने वाला है दोस्तों, नाम है हीरो इलेक्ट्रिक AXLHE20। जी हाँ, आई एम नॉट श्योर ऐसा नाम क्यों रखा है, बट इट इज अ हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर, एंड 8.15 PS की पावर है। और अगर रेंज के बारे में बात करते हो दोस्तों, 110 किलोमीटर की रेंज है, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक में बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, इनफैक्ट जो सिंपल वन नाम की एक गाड़ी आई हुई है, इनफैक्ट जो लॉन्च होने वाली है दोस्तों, 240 किलोमीटर उसकी रेंज ऐसे कही जा रही है। अभी तक जो भी लॉन्च हुए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, उनकी रेंज 75-80 किलोमीटर है। रेंज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि ये गाड़ी अराउंड 55,000 तक आने वाली है। अगर 55,000 में हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इट विल बी रियली रियली गुड, क्योंकि गाड़ियां जो है अभी नॉर्मल गाड़ी है फॉर सिटी ड्राइविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो 1,00,000-1,10,000 इस प्राइस रेंज में आती है। दिस इज एब्सोल्युटली हाफ, सो यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। जुलाई अगस्त में लॉन्च एक्सपेक्टेड है इसका। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अगस्त 15th को सिंपल वन लॉन्च होने वाली है। ये भी एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है, और जैसे मैंने बताया 240 किलोमीटर्स की इसकी रेंज होने वाली है सिंगल चार्ज पे। 4.8 किलो वॉट आर की बैटरीज होने वाली है, और दोस्तों इसमें टॉर्क जबरदस्त होगा, 0-50 इन जस्ट 3 सेकेंड्स। माई गुडनेस, आई मीन दैट्स क्रेजी। वैसे टॉप स्पीड भी बुरा नहीं है दोस्तों, 110 किलोमीटर टॉप स्पीड होने वाला है सिंपल वन का, एंड अगेन इट इज प्राइज एट 1.1 लैक्स। ऐसे अगेन जो प्राइस आई हुई है वो 1.1 लैक्स की है। सिंपल वन इज गोइंग टू बी गुड, सीरियसली गुड। और दोस्तों और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, इनफैक्ट खुद भाविश अग्रवाल ओला के जो CEO हैं,
ओला इलेक्ट्रिक के, वो उन्होंने ड्राइव किया और उसका एक वीडियो आया हुआ है. सो ओला इलेक्ट्रिक भी लॉन्च हो सकती है जुलाई अगस्त में, बट इट इज नॉट कंफर्म. टीजर वीडियो आ गया, इसका मतलब जनरली एक महीने से पहले टीज करना चालू कर देते हैं. सो आई एम होपिंग कि इन अगस्त इट विल लॉन्च. और अगर मैं गाड़ी के बारे में बात करूं तो कहा जा रहा है कि 100 to 150 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है. एंड पावर के मामले में बात करूं तो 0 to 45 इन जस्ट 4.5 सेकेंड होने वाली है. सो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड. ऑन ऑल ब्लैक है, ऑल्सो बेस्ट इन क्लास, लार्जेस्ट इन क्लास बूट स्पेस होने वाला है इसके अंदर, ऐसे भाविश अग्रवाल ने कहा है. और दोस्तों KTM की तरफ से दो गाड़ियां आने वाली है. अब देखिए, ये पता नहीं है, ऐसे भी कहा जा रहा है कि अनऑफिशियली बुकिंग्स भी चालू हो गए. अगर आप डीलरशिप के पास जाओगे तो आप KTM की 2021 RC जो है ये बुक कर पाओगे, RC390 एंड RC200. बेसिकली 373cc का इंजन है इसमें, 199cc का RC200 में इंजन है. ओवरऑल दोस्तों दोनों भी अच्छी लग रही है. KTM आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड वैल्यू फॉर मनी होते हैं, लेकिन ये BS6 आने के बाद थोड़ी इनके प्राइजेस वगैरह जो है बढ़ गए हैं. RC390 जो है कहा जा रहा है कि 2.7 लाख तक होने वाली है, और जो RC200 है दोस्तों वो कहा जा रहा है कि 2.15 लाख तक होने वाली है. सो लेट्स वेट, ये भी शायद मिड अगस्त एंड अगस्त तक आ जाए. वैसे हाँ दोस्तों, बताना भूल गया, डिजाइन में बहुत सारे चेंजेस है ऐसे कहा जा रहा है. अब एक्चुअल में क्योंकि स्पाई फोटो से तो ऐसे लग रहा है, स्पाई फोटोज आए हुए हैं, एक्चुअल जो गाड़ी की फोटोज है वो अभी तक नहीं आए. लेट्स वेट फॉर इट. वैसे दोस्तों रॉयल एनफील्ड की तरफ से बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च हो रही है. इनफैक्ट अगर आप ऑटो न्यूज देखते हो तो मैंने पिछले 3-4 दिनों पहले बताया था कि बहुत एग्रेसिव हो रहा है वो नए मॉडल्स लॉन्च करने में. सो इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, जुलाई एंड अगस्त में रॉयल एनफील्ड की तरफ से कम एक लॉन्च तो हमें देखने को मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर. तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियो में बताया, इतनी सारी गाड़ियां आ रही है एंड आई एम लिटरली एक्साइटेड अबाउट एवरीवन. व्हाई? क्योंकि यू नो राइड वगैरह करके आप तक वीडियो पहुंचाने तो हमेशा नई गाड़ी जब होती है चलाने में मजा आता है, आपको उसके बारे में बताने को भी मजा आता है. वैसे दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, बहुत रिसर्च जाता है, बहुत टाइम जाता है, एफर्ट जाता है वीडियो करने के लिए, तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं अभी तक वो जरूर कर दीजिएगा. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ.